नमो नमो बच्चों, कक्षा सात के व्याकरण के भाग में आप सभी का स्वागत है। हम व्याकरण पढ़ने से पहले ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि व्याकरण बहुत ही सरल है। संस्कृत की सबसे सरलतम व्याकरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और व्याकरण को पढ़ने में सबसे पहले हम कारक प्रकरण का यूज करेंगे, कारक प्रकरण का उपयोग करेंगे, क्योंकि कारक प्रकरण जो है वो हमें पूरा का पूरा संस्कृत सिखाने में बहुत उपयोगी रहेगा। कारक से हम हिंदी अनुवाद सीख सकते हैं, कारक से हम वाक्य निर्माण सीख सकते हैं, संस्कृत में वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, और कारक के बाद उपपद भी हम सीखेंगे जिनसे कि विशेष पदों के अनुसार विभक्तियां लगाई जाती है। तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहले कारक प्रकरण, और कारक को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको संस्कृत बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगी। तो देखिए, कारक जो है ये शब्द लिखा मैंने, सबसे पहले हम पता करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक का अर्थ क्या होता है? करने वाला। बात समझ में आ रही है? करने वाला मतलब जो करने वाला होगा उसको हम कर्ता भी कह सकते हैं, ठीक है ना? करने वाला जो होगा उसको हम कर्ता भी कह सकते हैं। अब देखिए, कारक शब्द बना कैसे, दूसरी बात हमारी आती है कि कारक शब्द बना कैसे। तो कारक में हमारे पास क्री धातु रहेगी और णौल प्रत्यय रहेगा, ठीक है? तो क्री से ये मैंने इसके नीचे लिख दिया धातु, और ये हमारा हो गया प्रत्यय। अब ये हमें केवल ध्यान रखना है, ये परीक्षा में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि भाई आप उसमें धातु बताओ, आप उसमें प्रत्यय बताओ, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा, और पूछने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ये जो नवल प्रत्यय है ये ना आपके आठ में है, ना सात में है, ना नौ में है, और ना दस में है, ये किसी भी कक्षा में नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहे, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब ये बना कैसे, ये हम बात कर लेते हैं। क्री को जब गुण होगा तो ये बनेगा कर, और फिर ये नवल का हमारे पास अकशेष रहेगा, ठीक है? इसमें हमारे पास बाद में घय प्रत्यय होगा, और घय प्रत्यय से वृद्धि हो जाएगी। घय प्रत्यय से क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो क्री से कर से बन जाएगा कार, और ये हो जाएगा अकह। तो इन दोनों को जब आप संयोग करोगे तो संयोग करने के बाद आपका बन जाएगा ये कारकह, ये हो जाएगा कारकह, और इसका मतलब हो गया करने वाला। ये इतनी सी बात थी, ये हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी थी कि हमें पता तो पड़े कि कारक होता क्या है, कारक का मतलब क्या है, ये बना कैसे। जबरदस्ती इसके हमें आगे पढ़ने में जो मजा आएगा वो सीखने में ज्यादा हमें मजा है। तो अब हम आगे बात करते हैं, कारक जो है, कारक को हमने कह दिया करने वाला, और दूसरी बात जब हम कारकों की आगे बात करेंगे तो कारक जो है, पाणिनि ने एक लाइन लिखी संस्कृत में और वो लिखी कारकाणि षट्। कारक जो होते हैं वो कितने होते हैं? छह। ये मैं संस्कृत की बात कर रहा हूं, ठीक है? आप हिंदी में क्या बात करते होंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन संस्कृत की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास कारक छह होंगे। अब देखो, सबसे पहले हमने लिखा कर्ता कारक, दूसरा लिखा कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, और संबोधन जो है वो होता ही। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात और आठ, सर आपने तो आठ बता दिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि संबोधन को तो हम प्राचीन काल से ही कारक नहीं मानते संस्कृत में, और अब हमारे पास सात बचे उसमें से हम संबंध को कारक नहीं मानेंगे। प्रश्न ये होता है, प्रश्न ये उठना चाहिए कि सर संबंध को कारक क्यों नहीं कहेंगे, संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता है, प्रश्न ये है। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर मैं बताऊंगा अभी आपको। तो ये संबंध कारक हमने इसमें से हटा दिया, तो हमारे पास अब देखिए आप कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, करण कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया, अपादान हो गया, और अधिकरण हो गया, यानी कि एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, छह कारक आपके सामने निम्नलिखित हैं। ये छह कारकों की बात हम इस प्रकरण में करेंगे, ठीक है? अब देखिए आप, अब मैं आपको एक इंडेक्स
टेक्स्ट के माध्यम से कारक बताता हूं तरीके से, आप ध्यान से सुनिएगा सब। इंडेक्स जो है वो मैं आपको पहले तो कारक की बताऊंगा, उसके बाद उसके चिन्ह की चर्चा करेंगे, और चिन्ह की चर्चा के बाद हम उसके वाक्य निर्माण करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और हमारा एकमात्र वीडियो ऑनलाइन का उद्देश्य भी यही है कि छात्रों को देखते हुए और सुनते हुए अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है ना भाई। तो देखिए आप ध्यान से, ये हमने लिख दिया कारक, ठीक है। इधर हम लिख देते हैं चिन्ह, और इधर हम लिख देते हैं हिंदी वाक्य, और ये आपका बनाएंगे संस्कृत वाक्य, ठीक है भाई। ध्यान से समझने वाली बात है, कारक में कभी भी आपको डाउट नहीं होगा, ध्यान से सुने। तो देखो सबसे पहले हमने कर्ता की बात करी, ठीक है। कर्ता बने करना, करने वाला, ठीक है। कर्ता का जो चिन्ह होता है वो होता है ने, ठीक है। हिंदी में जब हम वाक्य लिखेंगे तो मैं लिख देता हूं राम ने बालक को मारा, राम ने बालक को मारा, दिख रहा है सबको, ध्यान से सुने। राम ने बालक को मारा, हमारी जो क्रिया है वो है मारा, ये हमारी क्रिया होगी, ठीक है। मारा तो प्रश्न मेरा ये आया कि किसने मारा, तो उत्तर में हमें मिला राम, तो राम जो होगा वो होगा आपका कर्ता। अब किसको मारा, कहां मारा, किसके लिए मारा, कैसे मारा, किसने मारा, कहां से उठा के मारा, वो सारी बात अलग है, वो सारे अलग अलग कारकों की बात करेंगे हम, वो सब अलग कारकों के चिन्ह हो जाएंगे, वो हम अलग से बात करेंगे। तो ये कर्ता हुआ, ये क्रिया हुई, और एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि क्रिया के अनुसार कर्ता को चलाना है, और कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप आएगा, कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी, ये संस्कृत का सार्वभौमिक नियम है। तो देखो राम करता है तो ये रामः लगा दिया, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर आया ने, ठीक है ना, और हमारा चिन्ह भी क्या है ने, ठीक है। तो देखो रामः बालक को, तो ये हो जाएगा बालकम, ये बालकम क्यों हुआ, अभी जस्ट इसके नीचे बात करूंगा, रामः बालकम हतः, ठीक है भाई, हतः मतलब मारा, मार दिया, ठीक है। तो राम ने बालक को मारा, ठीक है। तो ये मैं यहां पर संस्कृत का वाक्य लिख देता हूं, रामः बालकम हतः, ये बात खत्म हो गई। तो ये हमारी कर्ता क्रिया वाली सारी बातें खत्म हो गई, ये कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी, ये भी बात खत्म हो गई। ये देखिए राम ने बालक को मारा, अब मैंने यहां लिखा था बालक को मारा, तो बालक को मारा इसकी बात हम नीचे करेंगे। देखो कर्ता के बाद कारक कौन सा आता है, दूसरा नंबर जो कारक है वो है कर्म कारक, ठीक है भाई। कर्म का चिन्ह होता है को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो देखो अब हमने दूसरा, हम दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं यहां पर, कि हमने लिख दिया बालक ने, बालक ने फल, फलों को, या बालक फलों को खाता है, हम ये लिख देते हैं बालक फलों को खाता है, बालक फलों को खाता है। तो खाता है ये क्रिया हो गई, ध्यान से सुनिएगा, और कौन खाता है, बालक खाता है, बालक कर्ता हो गया। तो कर्ता में सीधी सी बात है, हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार चलाएंगे, और ये हुआ फलों को खाता है, यानी कि फल खूब सारे हैं, और कर्ता ने कर्म को, ये द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है, तो यहां पर हमारा जो कर्म हुआ वो फलों को हो गया, लेकिन कर्म भी बहुवचन में है इसलिए हम द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगाएंगे। फल में हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है और द्वितीय विभक्ति का भी बहुवचन लगाना है, और फल को हम क्या कहते हैं वो हम सब जानते हैं।
तो देखो इसका वाक्य कैसे बनेगा, ये हमने लिख दिया बालक एक ही है तो बालक, ठीक है। फलों को यानी कि फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ये प्रथमा और द्वितीय में सेम रहेगा, तो हम खूब सारे फल खा रहे हैं तो इसलिए हम लिख देंगे फलानी। और ये क्या हो गया, खाता है, खाता है मतलब क्या हो जाएगा, बालक खाता है, खादती, ठीक है भाई। तो ये हमारा संस्कृत का वाक्य बना कि बालक फलों को खाता है, बालक खूब सारे फल खा रहा है, फलानी खादती। अब खादती यहां पर एक प्रथम पुरुष एकवचन का ही है, क्यों, क्योंकि हमारा कर्ता भी प्रथम प्रथमा विभक्ति का एकवचन का है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया चला दी और ये यहां पर कर्म लगा दिया, ठीक है। तो ये यहां पर हमारा हो गया। अब ये मैं ये वाक्य जो है आपका इंडेक्स में एड कर देते, तो क्या बनेगा, बालक फलानी खादती, बालक फलानी खादती, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं आगे की, और जब आगे चलेंगे तो देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से कैसे हुआ, देखो करण से मतलब से या फिर के द्वारा, इसमें साधन की बात करेंगे, ठीक है। साधन की बात करेंगे तो क्या हो गया, हमने यहां पर लिख दिया कि श्याम, श्याम साइकिल से, श्याम साइकिल से जाता है, श्याम साइकिल से जाता है। तो देखो ये श्याम आपका कर्ता हुआ, जाता है आपकी क्रिया हो गई, और साइकिल से जाता है मतलब ये किसी साधन की बात कर रहा है, ठीक है ना। साधन की जब बात करेगा तो हमें दिमाग में क्लिक होना चाहिए, तृतीय विभक्ति आएगी, तृतीय कारक आएगा, तो हमने तृतीय कारक का बात किया, करण कारक की बात करी, यहां पर हमने ऑब्लिक करके करण कारक लिख दिया, और करण कारक साइकिल में आप लगाओगे। तो देखो हमने यहां पर वाक्य बनाया तो क्या लिखा, श्याम द्विचक्रिकया, द्विचक्रिका, द्विचक्रिका मतलब दो चक्कर वाली, दो चक्कर वाली जो होती है उसको द्विचक्रिका बोलते हैं, त्रिचक्रिका तीन चक्कर वाली होती है उसको त्रिचक्रिका बोलते हैं, चतुर्चक्रिका यानी कि चार चक्कर वाली, चक्कर मतलब पहिया, ठीक है ना। तो ये द्विचक्रिका है हमारे पास, जो साइकिल चला रहे हैं, ध्यान से चलाना पड़ जाओगे। तो श्याम द्विचक्रिकया गच्छति, ये हमने लिख दिया, ठीक है भाई। तो श्याम द्विचक्रिकया गच्छति यानी श्याम जो है वो साइकिल से जाता है, ये हमारा कर्म कारक हुआ। अब हम बात करते हैं संप्रदान कारक की, ये साहब संप्रदान कारक, संप्रदान कारक क्या कहता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये लो साहब के लिए हमने वाक्य बना दिया कि छात्र राम के लिए, राम के लिए पुस्तक लाता है, छात्र राम के लिए पुस्तक लाता है, लाता है कौन, छात्र, तो छात्र हुआ कर्ता, लाता है हो गई क्रिया, राम के लिए, ये हमारे पास चतुर्थी विभक्ति का मटेरियल हो गया, इसमें हमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है, और ये हमारा संप्रदान कारक हो गया। और ये पुस्तक लाता है तो ये पुस्तक हो गया, एक पुस्तक लाएगा तो एक लिख देंगे, दो लाएगा तो दो लिख देंगे, बहुत सारे लाएगा तो बहुत सारे लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, छात्र राम के लिए लाया मतलब राम में चतुर्थी लगाओगे, रामाय, छात्र रामाय पुस्तकम आनयति, ठीक है भाई, छात्र रामाय पुस्तकम आनयति यानी छात्र जो है वो राम के लिए पुस्तक लाता है, ये हमारी चतुर्थी की बात हो गई, संप्रदान कारक की बात हो गई। हमारा अगला कारक रहेगा अपादान, और अपादान का चिन्ह क्या होता है, से या फिर होता है पृथक होना, पृथक होना, ठीक है, और इसको आप बोल सकते हो अलग होना, अलग होना, ठीक है, ये तीनों बोल सकते हो। तो देखो अपादान यानी कि पेड़ से, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पेड़ कहीं लगा हुआ है, ये लो साहब हमने आपको एक पेड़ बना के दिखा दिया,
ठीक है, और ये कोई पत्ता लगा दिया ऐसे बढ़िया सा, ठीक है, जब ये यहां से इस डाली से टूटेगा तो ये गिर के यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहां पर आ गया तो ये पेड़ जो था ऊपर था, यहां से ये क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है ना। तो जब अलग हो जाएगा तो पंचमी लग जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है, सर पंचमी किसमें लगाएंगे? तो पंचमी आपको जिससे अलग हो रहा है, यानी ये पेड़ से अलग हो रहा है, तो पेड़ में आपको पंचमी लगानी है, न कि पत्ते में आपको पंचमी लगानी है। ये महत्वपूर्ण बिंदु था, ध्यान रखने वाली बात थी कि पेड़ से पत्ता अलग होगा, यानी कि ये पेड़ में पंचमी लगानी है, बस यही बात इंपॉर्टेंट थी। अब देखो आप बाकी का निर्माण करते हैं कैसे, ध्यान से सुनो। पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी ये पेड़ से हो गया तो इसमें पंचमी लगा देंगे। पत्ता गिर रहा है, पत्ता हमारा करता है, गिरना हमारी क्रिया है, तो पेड़ से, पेड़ को हम बोलते हैं वृक्ष, तो ये क्या हो गया, वृक्षात, वृक्ष में पंचमी लगेगी तो क्या हो जाएगा, वृक्षात। पत्ता गिरता है तो पत्ता मतलब एक पत्ता गिर रहा है, ये लो पत्रम, और गिरता है को बोलते हैं पतति, वृक्षात पत्रम पतति। अब खूब सारे पत्ते गिराने हैं आपको कि सर नहीं, हमारे को तो खूब सारे पत्ते गिराने हैं, तो ये लो साहब आप यहां पर लिख सकते हो पत्राणि पतन्ति। अब आप पूछोगे कि सर पतन्ति और पतति क्यों कर दिया, तो हमारा कर्ता पहले एक था तो क्रिया भी एक वचन की आई, अब कर्ता बहुवचन का हो गया तो क्रिया भी बहुवचन की हो गई, ठीक है ना। तो ये पत्राणि पतन्ति और पत्रम पतति, ये हमारी बात हो गई। अब देखो आप संबंध को हम कारक नहीं मानते, हम यहां पर अगला छठा जो कारक है वो लिखेंगे अधिकरण, ये अधिकरण, और अधिकरण में हमने क्या लिखा, मैं और पर, मैंने लिख दिया कक्षा में बालक खेल रहे हैं, कक्षा में बालक खेल रहे हैं, कक्षा में बालक खेल रहे हैं, तो ये मैं पे पर वाली बात हो गई कि ये किसी निश्चित एरिया में कहीं अंदर बैठे होंगे, कहीं ना कहीं ये रुके हुए होंगे, वो मैं वाली बात कर लेते हैं हम। तो ये कक्षा में हो गया, मतलब कि यहां पर हमारे को सप्तमी लगानी है, और बालक खेल रहे हैं ये कर्ता और क्रिया हो गई। तो देखो कक्षा में कक्षा की सप्तमी होगी कक्षे, कक्षे बालक खेल रहे हैं, खेल रहे हैं से हमने ये समझा कि बालक खूब सारे हैं, तो खूब सारे बालक होंगे तो क्या हो जाएगा, बालकः बालकौ बालकाः, तो ये आपका हो जाएगा बालकाः, और यहां पर हो जाएगा क्रीडन्ति, ये हमारे साथ सारे के सारे बालक खेल लिए, तो कक्षा में बालक खेल रहे हैं ये सप्तमी का प्रयोग कर लिया, ये पंचमी, ये चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया, प्रथमा, और संबंध को हम कारक नहीं मानते। तो यहां पर हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो टॉपिक था ये हमारा कारक से रिलेटेड था, हमने ये कारक के बारे में जानकारी करी, ये हमने इसलिए किया कि कारक के माध्यम से हमें ये पता पड़ा कि चिन्ह कौन से होते हैं, और इसके अलावा हम इनका यूज कैसे करते हैं, विभक्ति कौन सी लगाते हैं, और विभक्ति भी किसका वचन कैसे लगाएंगे, ये हमने इतना सा सीखा। अब हम इस कारक को उपयोग में करते हुए हम सीधी सी बात है ऊपर पर जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे, रियल बात तो हमारी अब शुरू होगी। हमारा जो टॉपिक है कक्षा सात में, वो टॉपिक जो है वो इसी पर आधारित है, और ये समझ में आएगा तब जाके हमें उपद समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि उपपद क्या होता है। अब उपपद वो होता है कि ये एक प्रकार से विशेष पद है, ठीक है, विशेष पद है, मतलब कि इन विशेष पदों के अनुसार हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण दूंगा मैं और कुछ विशेष पद लिखूंगा, उनके अनुसार आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्या होता है। देखिए आप ध्यान से, देखो तो अब कारक से हमने एक तीर नीचे मारा और यहां पर हमने लिख दिया उपपद, ठीक है भाई, उपपद यानी पद के समीप, ये पद और उप का मतलब समीप, तो ये क्या हो गया, पद के समीप, पद के समीप, और पद मतलब शब्द, ठीक है भाई, पद के समीप, शब्द के समीप। देखो ये कारक, सबसे पहले कारक की बात करी तो एक लाइन में कारक खत्म कर रहे हैं कि चिन्हों के
अनुसार विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चिन्हों के अनुसार विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये कारक की बात हो गई। और जब मैं उपपद की बात करूंगा तो ये बहुत सीधी साधी बात हो जाएगी कि विशेष पदों के अनुसार, विशेष पदों के अनुसार, विशेष पदों के अनुसार, विशेष पदों के अनुसार विभक्ति का प्रयोग, विशेष पदों के अनुसार विभक्ति का प्रयोग, विशेष पदों के अनुसार विभक्ति को, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो उपपद की क्या बात हो गई कि विशेष पदों के अनुसार विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, विशेष पदों के अनुसार विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, अब थोड़ी सी बात यहां पर चेंज हो गई। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यहां पर उपपदों में कारकों के चिन्हों के अनुसार वाक्य का निर्माण नहीं किया जाएगा। हमारे संस्कृत में कुछ विशेष पद हैं जिनके अनुसार उपपदों का प्रयोग किया जाता है और जिनके अनुसार वाक्य निर्माण किए जाते हैं। वो अब देखो, अब उपपद जो है, कारक तो हो गए छह, लेकिन उपपद जो हमारा चलेगा वो द्वितीया से, ठीक है ना, वो द्वितीया से सप्तमी तक चलेगा, ठीक है ना भाई। तो ये द्वितीया से सप्तमी तक चलेगा, है ना, द्वितीया से सप्तमी तक। अब आपका प्रश्न ये होना चाहिए, सर प्रथमा आपने क्यों नहीं बना, यानी कि प्रथमा हमने उपपद में नहीं लिया, प्रथमा उपपद में नहीं होगा, प्रथमा उपपद में नहीं होगा। प्रथमा उपपद में क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रथमा मतलब होता है कर्ता। प्रथमा मतलब क्या होता है, कर्ता। और कर्ता जो होता है वो स्वतंत्र होता है, कर्ता जो होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, कर्ता स्वतंत्र होता है। इसलिए हम प्रथमा में कोई उपपद का यूज नहीं करेंगे, हम प्रथमा में कोई उपपद नहीं लगाएंगे। उपपद हमारा द्वितीया से सप्तमी तक चलेगा, ठीक है भाई। तो उपपद को आपसे, आपको द्वितीया से सप्तमी तक चलाना है। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, उपपद मतलब द्वितीय से सप्तमी तक। अब मैं आपको विशेष पद बताऊंगा और वो कंटिन्यूटी में बताऊंगा। देखिए, हमने लिखा उपपद, उपपद मतलब ये हुआ द्वितीय उपपद, द्वितीय उपपद, ये आपका तृतीय उपपद, ये आपका चतुर्थी उपपद, ये पंचमी उपपद, ये षष्ठी उपपद, और अंतिम जो है वो हमारा रहेगा सप्तमी उपपद, ठीक है। तो द्वितीय से लगाकर सप्तमी तक हम उपपदों का प्रयोग करेंगे। अब वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि द्वितीय में विशेष पद कौन से होंगे, तृतीय में विशेष पद कौन से होंगे, चतुर्थी में विशेष पद कौन से होंगे, पंचमी में विशेष पद कौन से होंगे, षष्ठी में हम किन विशेष पदों का उपयोग करेंगे और सप्तमी में कौन से आएंगे। तो अब ये द्वितीय से लगाकर सप्तमी तक हम वन बाय वन करके मैं उपपद बताऊंगा आपको। तो ध्यान से, ध्यान यही रखिएगा, ध्यान आपको कहीं नहीं ले जाना है, ध्यान लेके तो उपपद जिंदगी में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो, ये आपका एट्थ में भी काम आएगा, नाइन्थ में भी काम आएगा और टेंथ में भी काम आएगा, इसलिए अभी ध्यान हटाया तो फिर कभी काम नहीं आएगा। देखो, ये लिखा द्वितीय उपपद, द्वितीय उपपद में विशेष पद। अब वो विशेष पद कौन से हैं, देखो सबसे पहले अभितः, दूसरा परितः, तीसरा उभयतः, चौथा सर्वतः, फिर विना, फिर प्रति, फिर हा, फिर धिक,
अभितः परितः विना, फिर इसके बाद समया, फिर निकषा, बस ये हमारे पास उपपद हो गए। जिसके जितने काम आ रहे हैं उसको उतना ही सीखना है, अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो आपको नहीं सीखना है, आप उसको दिमाग से निकाल लीजिएगा। देखो अभी अब सर आप बोलोगे सर आपने ये सब लिख दिया लेकिन इनका अर्थ बताओ, तो अर्थ हम देख लेते हैं। अभितः मतलब दोनों ओर, अभितः का मतलब दोनों ओर, परितः का मतलब चारों ओर, ठीक है भाई चारों ओर। उभयतः का मतलब भी दोनों ओर, ठीक है। और फिर वापस सर्वतः का मतलब चारों ओर, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप अभितः लगाओगे तो भी राइट है, आप परितः लगाओगे तो भी राइट है, तो दोनों ही राइट है। विना का मतलब होता है के बिना, ठीक है भाई। प्रति का मतलब होता है की ओर, प्रति का मतलब क्या होता है की ओर। हा का मतलब होता है धिक्कार है, धिक्कार है, ठीक है। धिक का मतलब भी होता है धिक्कार है, ठीक है। और समया का मतलब होता है पास में, और निकषा का मतलब भी होता है पास में। तो अब इन दोनों में से आप किसी का भी यूज करोगे बहुत आर राइट, दोनों में से कोई भी गलत नहीं, ठीक है। अब देखो, अब ये मैंने आपको उपपद बता दिए, इनके अर्थ बता दिए, अब इनका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, अब ये परीक्षा में आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे। तो वाक्य प्रयोग को आप ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात यही है, बाकी तो हमें सीधी साधी याद हो जाएगी, है ना, बाकी तो हम सीधा सीधा सारे ही समझ लेंगे कि साहब ये तो बहुत ईजी है, तो ये इजी मैटर कभी नहीं आएगा। वाक्य प्रयोग आपकी परीक्षा में आते हैं, देखना। मैंने लिखा गांव के दोनों, गांव के दोनों ओर विद्यालय है, गांव के दोनों ओर विद्यालय है, एक इस तरफ भी है और एक उस तरफ भी है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, है ना, कहीं भी विद्यालय हो हमें तो पढ़ने से मतलब है। तो देखो गांव के दोनों ओर विद्यालय है, तो सबसे पहली बात तो हमने ये पता किया कि इसमें विशेष पद कौन सा है। तो हमने जब इसको पढ़ा तो हमें ये पता पड़ा कि ये दोनों ओर जो है ये हमारा क्या हो गया उपपद, ये हमने उपपद पकड़ लिया, ठीक है, के दोनों और ये यहां तक ले लेते हैं ओर तक, ठीक है ना। विद्यालय जो है वो हमारा कर्ता हो गया, ठीक है, और गांव के दोनों ओर है, तो अब ये दोनों ओर हमने उपपद लिया, तो ये उपपद अब द्वितीय गांव में प्रयुक्त हो जाएगा, किसमें प्रयुक्त हो जाएगा गांव में, तो ये गांव में द्वितीय उपपद प्रयुक्त हो जाएगा। तो देखो गांव में जब द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो ये हो गया ग्रामम, ग्रामम दोनों ओर को हम क्या बोलते हैं, देखो दोनों ओर को ये भी बोलते हैं ये भी बोलते हैं, तो मैं दोनों ही लगा रहा हूं ओब्लिक करके। मैंने लिख दिया अभितः और मैंने लिख दिया उभयतः, उभयतः, ठीक है भाई। तो ग्रामम अभितः ओब्लिक उभयतः क्या विद्यालय, तो ये साहब आपका विद्यालय, विद्यालय अस्ति, एक विद्यालय तो अस्ति और आपको बहुत सारे विद्यालय हैं तो सन्ति, तो गांव के दोनों और विद्यालय तो सीधी सी बात है अलग अलग होगा, तो दो विद्यालय हो गए, तो यहां पर विद्यालय नहीं होगा और यहां पर क्या हो जाएगा विद्यालय, विद्यालय ये आपका द्विवचन आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा स्तव, ठीक है भाई। तो ये गांव के दोनों और विद्यालय, गांव के दोनों और विद्यालय उभयतः विद्यालय स्तव, तो ये गांव के दोनों ओर विद्यालय हो गया, ठीक है ना, तो ये कोई दिक्कत नहीं, ये हमें सीधी सी बात है समझ में आ गया, ठीक है भाई। अगर किसी को लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरे मुखमंडल पे ध्यान देना, मेरी वाणी को जल्दी से कैचअप करना और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना भाई। तो ये द्वितीय का एक मैंने आपको बता दिया, एक मैं आपको विना का बता देता हूं, प्रति का। तो प्रति का आप देखिए कि वह गांव की ओर, वह गांव की ओर जाता है, तो ये की ओर जो है ये हमारा उपपद हो गया, और गांव की ओर जा रहा है तो उपपद की द्वितीय इसमें लग जाएगी। वह मतलब ये हमारा कर्ता हो गया और ये हमारी क्रिया हो गई, तो इसका क्या बनेगा, वह का मतलब सह, गांव की ओर जा रहा है तो गांव में द्वितीय लगेगी तो क्या हो जाएगा ग्रामम,
सह ग्रामम और की ओर का हमने उपपद क्या पढ़ा, प्रति, तो यहां पर लगा देंगे हम प्रति, तो सह ग्रामम प्रति जाते को क्या बोलते, गच्छति। ये गच्छति किसके अनुसार आया, सह के अनुसार, क्योंकि सह हमारा करता था, तो सह ग्रामम प्रति गच्छति, वह गांव की ओर जाता है। ये हमारे द्वितीय उपपद के दो वाक्य समाप्त हो गए। अधिक वाक्य आप अपनी किताब में से अभ्यास करेंगे, चाहे वो कक्षा 7 की किताब हो, चाहे कक्षा 8 की किताब हो, 9वीं 10वीं की भी आप यूज में ले सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अब आप आगे देखिए, द्वितीय के बाद हम बात करेंगे तृतीय उपपद की। अब तृतीय उपपद में क्या होगा, एज इट इज, ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं है, केवल पद चेंज होंगे और पद के अनुसार अर्थ चेंज होगा और अर्थ के अनुसार हम वाक्य निर्माण कर लेंगे और उसमें विभक्ति लगा देनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से देखिए, ये लिख दिया हमने तृतीय उपपद, और तृतीय उपपद की जब आप बात करोगे, देखो सह साकम सार्धम समम, सह साकम सार्धम समम बिना अलम, ये हमारे विशेष उपपद जो कि परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। इन चारों का मतलब, सह साकम सार्धम समम, इन चारों का मतलब होता है साथ में, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं समान 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 कह सकते हैं, ठीक है। बिना का मतलब होता है के बिना, और अलम का मतलब होता है, अलम जो है वो निषेध अर्थ में आएगा, किस अर्थ में आएगा, निषेध अर्थ में। निषेध अर्थ का मतलब होता है मना कर दिया, है ना, शोर मत करो, झगड़ा मत करो, आवाज मत करो, खेलो मत, गाओ मत, है ना, तो ये निषेध हो गया। या थूकना मना है, या फेंकना मना है, ये सारे के सारे निषेध है। तो निषेध जहां जहां पर होगा वहां अलम का प्रयोग होगा। बाकी देखिए, आप एक मैं बनाता हूं कि बालिका, मैंने लिख दिया बालिका 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 पेन से खेल रही है, बालिका पेन से खेल रही है, तो वाक्य क्या बनेगा, बालिका पेन को हम बोल देते हैं कलमेन, कलमेन सह क्रीडति। यहां पर एक छोटा सा चेंज होगा कि बालिका पेन के साथ खेल रही है, बालिका पेन के साथ खेल रही है, ये सब बालिका पेन के साथ खेल रही है। तो ये के साथ जो आया, सह साकम सार्धम समम वाली बात है, सह साकम सार्धम समम, आप यहां पर, अब यहां पर देखो, कलमेन सह भी लगा सकते थे, कलमेन साकम भी लगा सकते थे, कलमेन सार्धम भी लगा सकते थे, आप इन तीनों विशेष पदों का यूज कर सकते थे, क्योंकि हम पढ़ ही यही रहे हैं कि विशेष पदों के योग में विभक्ति लगानी है, तो हमने सह के योग में तृतीय विभक्ति लगा दी, किसमें लगा दी, पेन में, क्योंकि वो पेन के साथ खेल रही थी, क्योंकि वो कलम के साथ खेल रही थी, तो कलमेन सह क्रीडति, कौन, बालिका, तो बालिका कलमेन सह क्रीडति। मैंने यहां पर लिखा शोर मत करो, क्लास में मैं गया और बालक खूब सारा शोर कर रहे थे, तो मैंने जाके बोल दिया शोर मत करो, तो शोर को हम संस्कृत में बोलते हैं कोलाहल, क्या बोलते हैं, कोलाहल। मत करो, मत करो मतलब अलम हो गया, ठीक है ना, मत करो मतलब निषेध कर रहा हूं मैं, तो अलम बोलो और निषेध बोलो, मत करो बोलो, एक ही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, कोलाहल, कोलाहल अलम। लेकिन अब यहां पर एक चीज हमें करनी पड़ेगी कि अलम हमने लगा दिया, तो अलम के योग में तृतीय विभक्ति तो लगाएंगे ना भाई, तो ये कोलाहल क्या हो जाएगा, कोलाहलेन, कोलाहलेन अलम, यानी कि शोर मत करो, आवाज मत करो, ध्वनि मत करो, तो ये हमारा इसका उपयोग हो गया।
तो ये हमने तृतीय उपपद, अधिक उपपद आपको बुक से मिलेंगे, वाक्य निर्माण भी बुक से मिलेंगे, ये समझने की बात थी, आप इसको ध्यान से समझें और अधिक से अधिक वाक्य आप किताब से देखें। इसके बाद हम चतुर्थी उपपद की बात करेंगे, सो बी केयरफुल एंड लिसन टू मी केयरफुली। देखो ये आपका चतुर्थी उपपद, अब चतुर्थी में देखो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, ठीक है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, ये हमारे पास विशेष उपपद है। नमः का मतलब होता है नमस्कार करना, ठीक है भाई, नमः का मतलब नमस्कार करना, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण हो, ठीक है, स्वाहा का मतलब जब भी हम कल्याण पूर्वक हवि देते हैं अग्नि में तो इसका भी मतलब यही है, कल्याण की भावना रखते हैं हम, स्वाहा का मतलब, स्वधा का मतलब भी कल्याण, ठीक है, और अलम का मतलब ये, अब अलम आप पूछोगे सर तृतीय में भी आया चतुर्थी में भी आया तो दोनों में आएगा, मैं कहूंगा लेकिन दोनों में क्यों आएगा, क्योंकि वहां निषेध अर्थ में आया और यहां पर पर्याप्त अर्थ में आएगा, वहां निषेध अर्थ में आया और यहां पर पर्याप्त अर्थ में आएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारा जो है चतुर्थी संप्रदान वाला उपपद हो गए। अब आप देखो इसमें भी एक क्रुद्ध धातु और रहेगी, इसमें क्रुद्ध धातु, क्रुद्ध धातु के योग में भी आपको चतुर्थी लगानी है, ठीक है, जिस पर आप क्रोध करोगे, ठीक है। तो देखो क्रुद्ध मतलब होता है क्रोध करना, क्रोध करना कैसे, देखो हमने सबसे पहले नमः का लिया तो मैं यहां पर लिखता हूं गुरुजी को नमस्कार, गुरुजी को नमस्कार, तो मुझे ये तो पता है कि नमस्कार को नमः बोलते हैं तो मैंने नमः लिख दिया। मैंने ये भी सीखा था कि चतुर्थी में नमः आता है और नमः के योग में चतुर्थी लगती है, तो गुरुजी को नमस्कार कर रहे हैं तो गुरुजी में चतुर्थी लग जाएगी, तो गुरुजी की चतुर्थी क्या होगी, गुरुवे, गुरुवे नमः। आपको गुरुजी को नमस्कार नहीं करना है तो देवजी को नमस्कार कर लो देवाय नमः, शिवजी को नमस्कार कर लो शिवाय नमः, सूर्य को नमस्कार कर लो सूर्याय नमः, चाहो जिसको नमस्कार कर सकते हो आप, मोहन को नमस्कार कर लो मोहनाय नमः, ठीक है ना, श्री कृष्ण का पर्यायवाची है ना भाई, तो हमने श्री कृष्ण नहीं बोल के मोहन बोल दिया है ना, तो मोहनाय नमः। तो ये हमने यहां पर नमः का प्रयोग सीखा कि चतुर्थी विभक्ति में नमः कैसे प्रयोग करते हैं। एक मैं आपको क्रुद्ध धातु देता हूं, तो बालक, बालक श्याम पर क्रोध करता है, बालक श्याम पर क्रोध करता है, ठीक है ना, श्याम मतलब इवनिंग नहीं, श्याम मतलब श्याम कोई आदमी है, ठीक है ना, तो बालक करता श्याम पर क्रोध कर रहा है, मतलब क्रोध करना उपपद हो गया और क्रोध के योग में चतुर्थी विभक्ति आएगी तो ये क्या हो जाएगा, श्यामाय, श्यामाय इधर हो जाएगा बालकः, बालकः श्यामाय क्रोध्यति, तो ये बालक जो है वो श्याम पर क्रोध कर लेता है, ठीक है। और ये अलम जो है, अब अलम का भी पर्याप्त हो गया, तो देखो राम रावण के लिए पर्याप्त है, राम रावण के लिए, राम रावण के लिए पर्याप्त है, तो ये पर्याप्त होने वाली बात हो गई इनफ, ठीक है ना, तो ये इनफ हो गया, कैसे इनफ हो गया, देखो तो राम हो गया हमारा कर्ता, रावण के लिए मतलब रावण में चतुर्थी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रावण आए, और ये क्या हो गया, पर्याप्त का पर्याप्तम, ठीक है, पर्याप्तम अस्ति भी लिख सकते हो और अलम भी लिख सकते हो, बहुत आर राइट, तो ये क्या हो गया, रामः रावणाय अलम, रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है, तो ये हमारी चतुर्थी उपपद खत्म हो गया। अब देखो आप पंचमी, अब पंचमी का उपपद कैसे होगा, देखिए इसके अधिक से अधिक उदाहरण आप कक्षा 6 कक्षा 7 8 9 10 की किसी भी किताब में से आप पढ़ सकते हो, फुल अथॉरिटी है आपको, कहीं भी जा सकते हो। देखो पंचमी का उपपद देखिए, पंचमी क्या कहती है, एक तो भी धातु, एक त्रा धातु, ठीक
ठीक है ना, और एक पृथक होने के योग में, पृथक होने के योग में, ये हमने कारक पे भी आपको पढ़ाया था ठीक है ना, पृथक होने के योग में। एक मैंने बोला था कि भू उपसर्ग, सॉरी भू धातु और प्र उपसर्ग है, तो प्र उपसर्ग प्लस भू धातु ठीक है, एक उद उपसर्ग प्लस गम धातु, उप उपसर्ग प्लस गम धातु ठीक है, गम धातु, ये हमारे पंचमी के उदाहरण है ठीक है ना। और मैं देख लेता हूं आपकी किताब में किसके उदाहरण है, एक बही, एक हम बही भी ले सकते हैं ठीक है ना, बही मतलब होता है बाहर ठीक है, बही मतलब हो गया बाहर, भी मतलब डरना जिससे आप डरोगे, त्रा मतलब रक्षा करना जिससे आप रक्षा करना रक्षा करोगे ठीक है ना, और प्र प्लस भू ये होता है प्रभवती, प्रभवती और प्रभवती और उद्गच्छति, उद्गच्छति इन दोनों का मतलब होता है उत्पन्न होना या फिर निकलना, उत्पन्न होना या फिर निकलना, बहुत आर राइट, इसके दोनों अर्थ राइट है, आप जो अर्थ लोगे वो राइट है। वही मतलब बाहर की तरफ, और एक और आपका कौन सा बच रहा है, बिना, बिना का अभी मैटर क्लियर कर देते हैं, बिना मतलब होता है के बिना ठीक है ना भाई, बिना मतलब के बिना ठीक है, तो ये बिना मतलब के बिना। देखो अब हम उदाहरण की बात करते हैं, मैं आपको दो उदाहरण दूंगा बाकी सब आपको करने हैं। देखो सबसे पहले हम ले लेते ये प्र प्लस भू, तो गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकल रही है, सबसे पहली बात तो पंचमी का मतलब वो वहां से हिमालय से, ये देखो ये आपका हिमालय और ये यहां से गंगा आ रही है, तो ये यहां से अलग हो रही है, सीधी सी बात है, तो अलग होने के योग में पंचमी लगाएंगे ठीक है। तो देखो ये हो गया गंगा हिमालय से, मतलब हिमालय में पंचमी, हिमालयात और प्रभवती, आप यहां पर उद्गच्छति भी लिख सकते थे ठीक है ना, उद्गच्छति, तो प्रभवती और उद्गच्छति दोनों के दोनों राइट है। बस ये ध्यान रखना है कि प्र उपसर्ग के साथ भू धातु आएगी, उद उपसर्ग के साथ गम धातु आएगी, दोनों का अर्थ निकलना होता है ठीक है। तो गंगा हिमालयात प्रभवती उद्गच्छति, गंगा हिमालय से निकल रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत पवित्र है, कभी जाके आप स्नान कीजिएगा ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बही, और इसके बाद देखेंगे बिना, बिना का मैटर मैं आपके क्लियर कर देता हूं कि बिना, बिना जो है वो आपका द्वितीय विभक्ति में भी आएगा, तृतीय विभक्ति में भी आएगा और पंचमी विभक्ति में भी आएगा ठीक है। तो कैसे, मैं ये लिख देता हूं, जलम बिना, जलम बिना जीवनम न, जल के बिना जीवन नहीं ठीक है, जलम के बिना, जल के बिना जीवन नहीं है, तो आप यहां पर जलम लिखा आपने, आप यहां पर जलेन भी लिख सकते हैं और आप यहां पर जलाद भी लिख सकते हैं, ये तीनों के तीनों राइट हैं। ये बिना के योग में आप द्वितीय भी लगा सकते हो, पंचमी भी लगा सकते हो और तृतीय भी लगा सकते हो, आपकी जो इच्छा हो वो आप लगाएंगे, ऑप्शन में आपको जो विभक्ति मिलेगी, दोनों एक साथ नहीं मिलेगी, तीनों एक साथ नहीं मिलेगी, कोई एक मिलेगी, वो आपको एक लगानी है बिना के योग में। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ये आपका बिना मतलब हो गया के बिना और जीवन नहीं है ठीक है। आप यहां पर नास्ति भी लगा सकते हो और न भी लगा सकते हो, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो आपके सारे राइट हो जाएंगे। आप अगला देखेंगे षष्ठी उपपद ठीक है भाई, अब हम पंचमी उपपद, अब इसके अधिक से अधिक उदाहरण आप स्वयं कीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहां पर अगर मैं सारे उपपद समझा भी दूंगा, सारे उदाहरण दे भी दूंगा तो कुछ नहीं होगा, समझना तो आपको खुद को अभ्यास करके ही पड़ेगा ठीक है। तो यहां पर देखिए ये षष्ठी, षष्ठी उपपद, षष्ठी उपपद की जब हम बात करेंगे तो षष्ठी उपपद देखो, एक तो ऊपरी और एक स्मरण करना, एक तो ऊपरी और एक स्मरण करना ठीक है ना, ऊपरी स्मरण कर लिया आपने और बस यही है। ऊपरी मतलब हो गया ऊपर,
और स्मरण मतलब दुख के साथ स्मरण करना, दुख के साथ स्मरण करना, ठीक है ना। मोस्ट बात ये आएगी कि दुख के साथ स्मरण करना, ठीक है। तो देखो कैसे, मैंने एक वाक्य लिखा कि मेरे घर के ऊपर बालक है, ठीक है भाई, मेरे घर के ऊपर बालक है। तो ऊपर, ठीक है, ऊपर और किसके ऊपर, मेरे घर के ऊपर, तो मम, मम मतलब मेरे घर, घर को आप बोलते हैं गृह है, और इसमें लग जाएगी षष्ठी, तो मम गृहस्य ऊपरी, मम गृहस्य ऊपरी। अगर एक बालक है तो बालकः, और बहुत सारे बालक हैं तो बालकाः, और यहां पर आपका लग जाएगा क्रिया के अनुसार संति। तो मम गृहस्य ऊपरी बालकाः संति, और अगर कोई नहीं है तो को अभी न संति, को अभी न संति। तो मम गृहस्य ऊपरी बालकाः बालकाः संति, ये षष्ठी का प्रयोग है ऊपरी वाला। स्मरण का प्रयोग है वो देखो, बच्चा माता को याद करता है, बच्चा माता को याद करता है। तो देखो बच्चा माता को याद करता है, यहां से हम क्या समझ रहे हैं कि स्मरण कर रहा है वो, स्मरण कर रहा है। तो देखो बच्चा मतलब बालक, माता को याद कर रहा है, तो माता मतलब मम्मी में षष्ठी लगा दोगे तो माता शब्द में षष्ठी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, मातुः, बालक मातुः स्मरति, यानी बालक माता को याद करता है। दुख के साथ जब वो स्मरण करेगा तब हम इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये हमारे षष्ठी विभक्ति के उपपद हो गए। अब हम बात करते हैं सप्तमी विभक्ति के उपपद। तो सप्तमी भी बड़े इजी हैं, ठीक है। देखिए आप, अंतिम उपपद हमारे पास है, इसके बाद उपपद का हमारे पास केवल और केवल अभ्यास रहेगा, जो कि मुझे नहीं करना है आपको करना है, ठीक है ना भाई। अधिक से अधिक आप अभ्यास किताब में से कर लोगे, लिख लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सप्तमी लिखा, सप्तमी उपपद क्या कहता है, सबसे पहला स्नेह धातु आएगी, ठीक है, स्नेह धातु आएगी, और एक है विश्वस, विश्वस धातु, विश्वस, और एक आपकी है मतलब कि योग्यतम, योग्यतम शब्द होगा, योग्यतम, ठीक है भाई, और पटुतर, एक होगा पटुतर, एक हो जाएगा चतुर, दोनों का मतलब होशियार है, ठीक है भाई, दोनों का मतलब होशियार। विश्वास, विश्वास का मतलब होता है विश्वास करना, विश्वास करना। स्नेह का मतलब होता है प्यार करना, ठीक है ना भाई, प्रेम करना, प्यार करना, ये एक ही बात है। योग्यतम का मतलब होता है योग्य है, ठीक है, राम के योग्य सीता ही थी इसलिए वो योग्य थी। देखो तो हमने एक वाक्य लिखा कि माता पुत्र पर स्नेह करती है, या फिर आप लिख सकते हो माता पुत्र पर स्नेह रखती है, बहुत राइट। तो माता मतलब, माता मतलब हो जाएगा आपका माता, माता पुत्र पर स्नेह रख रही है, तो स्नेह के योग में पुत्र पर आ जाएगा पुत्रे, सप्तमी विभक्ति पुत्र की हो जाएगी, माता पुत्रे, और स्नेह धातु से रूप बनेगा स्नेहयति, स्नेहति, ठीक है ना। तो ये माता पुत्र पर स्नेह कर रही है, माता पुत्रे स्नेहयति, ठीक है। अगला हमने लिखा विश्वसिति, विश्वसिति का मतलब पिता पुत्र पर विश्वास करता है, पिता पुत्र पर विश्वास करता है। तो यहां पर पिताजी ऐसे कैसे आ जाएंगे, करता है, ठीक है, पुत्र पर, यानी कि पिता पुत्रे, इसकी विश्वसिति बन जाएगा, विश्वसिति, ठीक है। तो ये विश्वास वाली बात हो गई, पिता पुत्रे विश्वसिति। चतुर्तरा पटुतरा योग्यतमा, ये बहुतों में से एक योग्य बताते हैं, बहुतों में से एक होशियार बताते हैं, बहुतों में से एक को चालाक बताते हैं, तब जाके हमारा जो है ये पटुतरा चतुर योग्यतम यूज करते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि
कि कवियों में से कालिदास चतुर है। कवियों में से कालिदास चतुर है, ठीक है। तो कवियों का जो सप्तमी होगी वो हो जाएगा कविषु, ठीक है, क्योंकि हम किसी एक को होशियार बता रहे हैं। तो कविषु कालिदासः, आप यहां पर चतुरः भी लिख सकते हैं, आप यहां पर पटुतरः भी लिख सकते हैं, और आप यहां पर एक हमारा योग्यतम भी लिख सकते हैं, योग्यतम अस्ति, ठीक है ना। चतुरः अस्ति, पटुतरः अस्ति, योग्यतम अस्ति, यानी कि ये कवियों में से कालिदास चतुर हो गए, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये, अच्छा, योग्यतम जो शब्द है ये जब स्त्रीलिंग में आएगा तो योग्यतमा हो जाएगा, योग्यतमा, ठीक है, और इस नपुंसकलिंग में होगा तो क्या हो जाएगा, योग्यतमम, ठीक है भाई। तो योग्यतमा योग्यतमम, पटुतरम, चतुरा चतुरम, ठीक है ना। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के योग से चलेंगे, तो यहां पर आप लिख लो तीनों को अंडरलाइन करके कि ये पुल्लिंग के हिसाब से, स्त्रीलिंग के हिसाब से और नपुंसकलिंग के हिसाब से, वाक्य के अनुसार आप देखेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि तीनों किस हिसाब से चलेंगे। तो ये हमारा सप्तमी के उपपद हो गए, यहां तक की मेरी बात समाप्त होती है। ये कारक प्रकरण और साथ में उपपद प्रकरण यहां पर हमारा समाप्त हो जाता है। अब आपको क्या करना है वो आपकी बात मैं आपको बता दूं कि आप कक्षा 7 की किताब, कक्षा 8 की किताब और कक्षा 9 की किताब और कक्षा 10 की किताब, चारों किताबों में से आप जो लेना चाहें, आप जिसमें से उपपद करना चाहें, जिसमें से पढ़ना चाहें, जिसमें से सीखना चाहें, उनमें से आप उपपद उठाएंगे और इनके अनुसार आप वाक्य निर्माण करेंगे, उनके पीछे के अभ्यास करेंगे, तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई अगर प्रश्न होता है तो आप वो मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, मेरे नंबर से आप मैसेज करके आराम से पूछ सकते हैं, ये आपका समाधान उसी समय हाथोहाथ कर दिया जाएगा। ये हमारा कारक और उपपद जो प्रकरण है वो समाप्त होता है। आज तक के लिए धन्यवाद।